9 बजे के बुलेटिन में इंडिया न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको बता देते हैं बड़ी खबर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार का अभियान तेज हो गया है। बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट, दोनों नेताओं के बीच 75 मिनट तक चली है बताया जा रहा है डिबेट। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप इस दौरान लगाए। बाइडेन को चीन से पैसे मिलते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आरोप लगाए गए। पत्नी प्रेग्नेंट थी, आप पॉर्न स्टार से संबंध बना रहे थे, ये आरोप बाइडेन की ओर से लगाया गया ट्रंप पर। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वहीं डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से जो बाइडेन मैदान में हैं। बाइडेन और ट्रंप के बीच 4 साल में दूसरी बार मुकाबला हुआ है। करीब 75 मिनट तक बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई और इस दौरान एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप दोनों ही नेताओं की ओर से लगाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा यह अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बाइडेन और ट्रंप के बीच जब पहली बहस हुई तो किसने क्या कहा ये आप जानिए। दरअसल 28 जून को आज राष्ट्रपति पद के लिए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट दोनों नेताओं के बीच हुई है जॉर्जिया के एटलांटा शहर में। ये डिबेट मौजूदा राष्ट्रपति और डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन, साथ ही साथ रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है। 75 से 80 मिनट दोनों नेताओं के बीच बहस हुई। 4 साल बाद एक बार फिर से दोनों नेता एक दूसरे के सामने। बहस की जो शुरुआत है वो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हुई बताया जा रहा है और महंगाई और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेरा गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बाइडेन को। महंगाई का मुद्दा आते ही बाइडेन ने ट्रंप की तरफ फिर बताया जा रहा है कि बात को घुमा दिया। कहा कि उन्होंने बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था सौंपी थी, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि उनके शासन के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था बेहतरीन थी। बाइडेन ने कहा कि हमें सब कुछ फिर से सही करना पड़ा था। बाइडेन ने ट्रंप पर कुछ ना करने के आरोप लगाए। कई बार अव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल हुआ इस पूरी बहस के दौरान। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने सिर्फ अमीरों को ही फायदा पहुंचाया।